नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आपका स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपने पिछला एपिसोड सुना है ना, वो कुछ गर्ल्स जो सुहानी और पूजा के सामने राज के बारे में कुछ बातें ऐसी कह देती है जो कोई भी डाउट कर सकता है कि राज का कहीं और चक्कर चल रहा है। लेकिन सुहानी तो मानने से इनकार करती है। चलिए आगे क्या होता है। और ये जो गर्ल्स वो ऐसा क्यों कहती है ये जानने की कोशिश करते हैं इस एपिसोड में, तो बने रहिए हमारे साथ। पार्ट नंबर 42, प्रेम रंग का, सुहानी के बॉस की सच्चाई। पूजा सुहानी सोच में पड़ जाती है, फिर भी सुहानी का मन नहीं मानता। तो वो कहती है, देख तू जो भी है मैं तुझ पर यकीन क्यों करूं? तुम अजनबी हो और कोई भी आकर मेरे राज के लिए बुरा भला कहे तो मैं मान लूं क्या? ऐसे पहले भी हुआ था। मेरे राज के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ओके, तुम मुझे राज के खिलाफ भड़काना चाहती हो। मैं ना खुद से ज्यादा राज पर ट्रस्ट करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, समझी? अब तुम यहां से जा सकती हो। वो लड़की चली जाती है। उसके जाने के बाद सुहानी कहती है पूजा से, देखो ना जैसे सारी दुनिया मेरे और राज के प्यार के खिलाफ साजिशें कर रही है, मेरा यकीन नहीं कोई तोड़ सकता। पूजा कहती है, हाँ वही तो, वो देखो। वो गर्ल्स जो इतना कॉन्फिडेंस से कह रही थी अभी देखो भाग गई ना। जरूर वो भी किसी के साजिशों में शामिल है जो तुम्हें और राज को एक दूसरे से दूर करना चाहती है। चलो अच्छा हुआ तुमने यकीन नहीं किया, चलो अब ऑफिस चलते हैं। और दोनों ऑफिस जाते हैं। सब लोग उन्हें पूछते हैं इतने दिन से क्यों नहीं आई है तुम दोनों। तब पूजा बताती है, हम तो आउट ऑफ सिटी थे, लेकिन बॉस को ये तो पता है हमने छुट्टी ले रखी थी। सब लोग उनकी तरफ ऐसे घूर कर देखने लगते हैं। तब सुहानी पूछती है, अरे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? तब सब कहते हैं, आप पहले दोनों बॉस के केबिन में जाओ, बॉस से मिलकर आओ, तब समझ आएगा। और वो दोनों केबिन में जाती है, देखते ही हैरान हो जाती है क्योंकि उनके पुराने बॉस वहां पर नहीं थे। पूजा सुहानी दोनों गुड मॉर्निंग करते हैं, बॉस को देखकर सोच में पड़ जाती है। बॉस हंसते हुए कहता है, एनी प्रॉब्लम? आप सभी के पहले वाले बॉस छुट्टी पर है, उनकी जगह मैं हूं, आप दोनों को मैं जानता हूं, पूजा और सुहानी, राइट? आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो एंड रिलैक्स। ये आप दोनों के चेहरे पर टेंशन क्यों है, एनी प्रॉब्लम? सुहानी पूजा एक साथ कहती है, नो सर। और उनकी परमिशन लेकर दोनों भी अपने काम में लग जाती है। लेकिन कोई तो बात है जो उनको बार बार परेशान करती है, वो बॉस की वॉइस। लेकिन वो दोनों किसी से भी इस बारे में बात करती है ना, आपस में बात करती है। ऑफिस छूटने के बाद बाहर आते ही सुहानी बोलती है, तुम्हें पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? पूजा कहती है, हाय रब्बा, आजकल तुम्हारे भी दिमाग में कुछ चलने लगा है क्या? चलो अच्छी बात है,
आजकल मैडम का दिमाग भी चलने लगा है, हमारे संगत का असर है। वैसे बोल दीजिए, किस बात पर आपका दिमाग चलने लगा है? उसके बात पर सीरियसली जवाब देते हुए सुहानी कहती है, देखो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और बात मजाक की है ही नहीं। सुन तो सही, तुमने उसकी आवाज सुनी है? अब तू ही बता दे, तुझे नहीं लगता ये वॉइस कहीं तो सुनी है हम दोनों ने? बोलो। जवाब में पूजा कहती है, हाँ यार, पूरा दिन मैं भी वही सोच रही थी, ये वॉइस किसकी है और कब सुनी है, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। सुहानी पूजा बातें कर रही थी, तभी सामने से राज और उसका फ्रेंड समीर दोनों भी आ जाते हैं। राज को देखते ही सुहानी तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन पूजा सोचने लगती, ओह अब क्या, ये दोनों पता नहीं कितना टाइम वेस्ट करेंगे और मैं क्या करूंगी। और उस पे ये राज का फ्रेंड भी आ गया और फिर वही मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। पूजा सुहानी को कहती है, देख सुहानी, तुम प्लीज ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाकर नींद लेनी है। सुहानी कहती है, सुनो तुम यहीं पर आ जाओ, पहले हमें राज को सब कुछ बताना है, प्यार मोहब्बत की बातें तो मैं बाद में कर लूंगी, अभी जो जरूरी है वही बातें करेंगे, तुम कहीं मत जाना। और पूजा भी वहां पर आ जाती है। पूजा सुहानी सारी बातें राज को बता देती है। बॉस के बारे में बात सुनकर राज कहता है, अरे आवाज सुनी है दोनों ने, तो याद क्यों नहीं आ रहा है, कहीं मोबाइल में देख लो किसी का कॉल था क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, वो इंसान जानबूझकर तुम्हारे ऑफिस में बॉस बनके कैसे आ सकता है? देखो जल्दी से देखो वो कौन सी गाड़ी जा रही है, वो तुम्हारा बॉस ही है ना? सुहानी कहती है, अगर तुम्हें देखना है ना तो उसके गाड़ी का पीछा करना पड़ेगा, चलो हम एक काम करते हैं, हम सभी चलते हैं, आज ऑफिस में ज्यादा वर्क है इसलिए थोड़ा लेट हो जाएंगे, ये घर में मैसेज कर देते हैं। सुहानी वही मैसेज सेंड करती है, सभी लोग एक साथ राज की गाड़ी में बैठकर उसी बॉस के कार का पीछा करने लगते हैं। अभी तक राज को उसका चेहरा नजर नहीं आता। बहुत तेज कार चलाते हुए बॉस की कार एक बंगले के नजदीक रुक जाती है। कार को वही छोड़कर वो दूसरी कार में बैठकर फिर से कहीं जाने निकलता है। राज की कार उसका पीछा करती है, लेकिन वो एक बड़े से बंगलों में अंदर जाता है और डोर बंद हो जाता है, इनको कुछ नजर नहीं आता। सब लोग कार से बाहर निकलते हैं, तब भी कोई नजर नहीं आता, यहाँ वहाँ बंगलों के अंदर क्या चल रहा है वो समझ में आ जाए तो। ये सोचते हुए देखते हैं यहाँ वहाँ वॉचमैन भी कहीं नजर नहीं आता, तब राज कहता है, सुहानी पूजा तुम दोनों यही रुको, हम अभी कुछ मिनटों में वापस आते हैं। और राज और उसका दोस्त समीर बंगलों के पीछे साइड में छलांग लगाकर अंदर घुस जाते हैं। वहां पर उनको एक विंडो नजर आती है, वहां से उनको तीन जन नजर आते हैं, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं। वहां राज और समीर
हिडन कैमरा फिट कर देते हैं। दोनों भी वहां से कार में जाकर बैठ जाते हैं। कार को लेकर दूसरी ओर जाकर रुक जाते हैं। मोबाइल ऑन करते ही राज सुहाने से कहता है, देखो इनमें से कौन सा तुम्हारा बॉस है। कुछ पल देखते हुए सुहानी कहती है, ये जो बार बार अपने बालों को हाथ लगा रहा है ना, यही है बॉस। और उसी की आवाज जानी पहचानी लग रही है। ओके, आप अभी घर चले जाओ, मैं सब कुछ पता लगाकर तुम दोनों को बता दूंगा। लेकिन कोई भी अननोन नंबर से कॉल आ जाए तो रिसीव मत करना, ओके? और इन सब बातों में पूजा जी का भी ध्यान रखना जरूरी है। सॉरी पूजा जी, अभी हम आपके लिए आइसक्रीम बर्गर लेकर आते हैं, आप गाड़ी में खाते हुए घर चले जाओ। और हाँ, आइसक्रीम खाने के बाद आपको कुछ याद आ जाएगा, वही वॉइस किसकी है। और सभी हंसने लगते हैं। रिलैक्स होकर वो दूसरे कार में बैठकर घर चले जाते हैं। घर के थोड़ी से दूर उन दोनों को छोड़कर राज और समीर वहां से निकल जाते हैं। उनको शायद ये पता चल जाता है ये सब चाह कौन चल रहा है और किस लिए। लेकिन दोस्तों, हमें भी पता लगाना है ना, ये चाल किसकी है और कौन चल रहा है ये चाल और किस वजह से। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और मैं जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार। अगले एपिसोड में बता देते हैं, राज कुछ तो पता लगा ही लेगा ना तब तक कि ये बॉस कौन है। लेकिन हाँ, कोई तो साजिश चल रही है, साजिश का पर्दा फाश हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हमारे साथ हमेशा बने रहिए। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्पॉटिफाई पर फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए। ये भी कोई बताने की बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी आप भूल जाते हो तो हमें बताना पड़ता है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा नहीं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है हमें। और थोड़ा सा इंतजार और वही प्रेम रंग में रंगते रहिए।